द स्लम्बर पार्टी मैसेकरे। कहानी की शुरुआत में हम ट्रिस को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही होती है, पर रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें पास में एक केबिन में रुकना पड़ता है। इस केबिन में ट्रिस की मुलाकात चैट से होती है। चैट और ट्रिस का ब्रेकअप पिछले साल हुआ है क्योंकि चैट ट्रिस को चीट कर रहा था। ट्रिस चैट की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो अपने रूम पर चली जाती है और रूम पर ट्रिस और उसकी फ्रेंड्स मिलकर डांस कर रहे होते हैं। चैड इन सबको डांस करते हुए पास की विंडो से देख रहा होता है और ट्रिस को चीट करने का अफसोस कर रहा होता है। तभी चैट की नजर ट्रिस के रूम की दूसरी खिड़की पर जाती है। चैट को वहां पर एक अनजान आदमी दिखाई देता है। वो उस जगह पर जाकर देखता है जहां वो आदमी कुछ देर पहले खड़ा था। चैट को इस जगह कोई भी नजर नहीं आता है, पर बाद में चैट के पीछे वही आदमी अपने हाथ में एक बड़ी सी ड्रिल लेकर खड़ा होता है और इसी ड्रिल की मदद से ये आदमी चैट को जान से मार देता है। इस आदमी का नाम रस थॉन होता है। ये एक सीरियल किलर है। लड़कियों के रूम में बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि अंदर बहुत तेज म्यूजिक चल रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर ये किलर चुपके से लड़कियों के रूम में घुस जाता है। ट्रिस की एक फ्रेंड किन किचन में जाती है जहाँ पर ये किलर पहले से बैठा होता है। किलर मौके का फायदा उठाते हुए किन को भी जान से मार देता है। जैकी आराम से बैठकर अपनी कुकीज खा रही होती है। तभी कुकीज खाते खाते उसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वो किचन में एंटर होती है। जैकी किन की लाश को देखकर घबरा जाती है और पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन तो डेड होता है। तभी केबिन की लाइट चली जाती है और पूरे केबिन में अंधेरा हो जाता है। वापस जाकर जैकी देखती है कि अब डैन भी मारी जा चुकी है। अब सिर्फ जैकी और ट्रिस ही जिंदा बचे हुए है। ट्रिस जैकी से कहती है कि हम दोनों को यहाँ से एक साथ भागना होगा, नहीं तो दोनों मारे जाएंगे। पर जैकी बहुत ज्यादा डरी होने के कारण अकेले ही भागने की कोशिश करती है और किलर के हाथों मारी जाती है। अब सिर्फ ट्रिस अकेली बचती है। ट्रिस दूसरे रूम में जाकर छुप जाती है, पर किलर ट्रिस का पीछा करते करते वहां पर भी पहुंच जाता है। अब किलर ट्रिस के हाथ में ड्रिल घुसा देता है जिस वजह से ट्रिस को बहुत दर्द होता है, पर ट्रिस किसी तरह यहाँ से भाग जाती है। किलर ट्रिस का पीछा नहीं छोड़ता। अब ये ट्रिस को मारने वाला होता है, पर मारने से पहले किलर ट्रिस को आई लव यू बोलता है। इसी बीच ट्रिस किलर पर हमला कर देती है जिस वजह से किलर की ड्रिल पानी में गिर जाती है और दूसरे अटैक में वो खुद भी गिर जाता है जिससे वो किलर पानी में डूब जाता है। अब प्रेजेंट में यहाँ हम देखते हैं ट्रिस की बेटी डायना को जो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही थी। डायना एक ब्रॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें उसे किलर रस के बारे में ही बताया जा रहा था कि किस तरह से रस पानी में डूब गया था और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। ट्रिस डायना को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसको पुरानी बातें याद आ गई थी। इतने में वहाँ डायना की फ्रेंड्स आ जाती हैं, जिनका नाम मियो, एसलिन और ब्रायन है। डायना इनके साथ चली जाती है। ट्रिस उसे बाय करती है और वो सब खुशी खुशी निकल पड़ती हैं। रास्ते में डायना अपना सामान चेक कर रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो डर जाती है और कार रोक कर कार से बाहर निकल जाती है। तभी पता चलता है कि वो मियो की छोटी बहन एलेक्सा थी जो कि कार में छुप कर इनके साथ आ जाती है। उसे छोड़ने के लिए अब ये सब वापस भी नहीं जा सकते तो वो सब इसे भी अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन डायना और डायना के फ्रेंड ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते क्योंकि उनकी कार वहीं पर खराब हो जाती है। इस वजह से इन सबको साइड में गैस स्टेशन पर रुकना पड़ता है। इस गैस स्टेशन पर एक आदमी काम करता है जिसका नाम डेव होता है। वो बताता है कि उनकी कार में जो पार्ट लगेगा वो कल तक ही मिलेगा, इसलिए तुम्हें यहीं कहीं रुकना होगा। ये सुनकर वो सभी निराश हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस एरिया में बहुत ज्यादा डॉग्स गायब होते हैं। यहीं पास में एक औरत होती है जिसका नाम के होता है। ये सभी इस औरत को अपनी हालत बताती हैं। तो ये औरत इन्हें अपने केबिन पर लेकर जाती है जहां वे रात बिता सकती थी, और ये वही जगह है जहां डायना की मॉम पर अटैक हुआ था। अब डायना भी वहीं पर पहुंच जाती है। के इन्हें इनके रूम पर छोड़कर चली जाती है। के जाते ही पार्टी शुरू हो जाती है। एलिस अकेले बैठकर बियर पीने लगती है जिसे वो के की शॉप से लाई थी। इसी बीच डेव भी वहां पहुंच जाता है जो कि अपने साथ कार के पार्ट्स लेकर आया था, लेकिन उसका वेलकम रस करता है जो कि अभी जिंदा था। इधर एलिस बाहर आती है। वो देखती है कि सामने वाले केबिन में भी कोई रह रहा है। थोड़ा आगे जाकर उसे डेव का ट्रक मिलता है जिसके टायर पंक्चर थे और डेव भी अंदर था।
लेकिन डेव अब मर चुका था। एलिसा भागकर अपने केबिन में पहुंचती है। वो इन सबको बताती है कि डेव को किसी ने मार दिया है। साथ ही वो बताती है कि जहां पर रस ने पहले लोगों को मारा था, हम लोग भी वहीं पर पार्टी कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी यही हुआ था। पर एलिसा की बातें सुनकर कोई भी हैरान नहीं होता, क्योंकि ये चारों लोग पहले से ही ये जानते थे। इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि वो सब यहाँ रस को मार कर ही जाएंगे, क्योंकि डायना की मॉम उस हादसे के बाद से हमेशा डर डर के रह रही है। ये सुनकर एलिसा हैरान होती है। तभी अचानक कोई गेट पर आ जाता है। इन सबको लगता है कि गेट पर रस है। ये सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन गेट पर रस नहीं, कोई दो लड़के थे जिनका नाम जॉन और मैट होता है। ये दोनों सामने वाले केबिन में अपने फ्रेंड्स के साथ रुके हुए थे। जॉन ने क्राइम बैंडेज की शर्ट पहनी हुई थी, जिससे पता चलता है कि ये दोनों भी रस के बारे में जानते हैं और रस की वजह से यहाँ आए हैं। लेकिन इन दोनों को लगता है कि रस मर चुका है और ये बातें आपस में डिस्कस करने लगते हैं। इतने में मैट देखता है कि इनके पास हथियार है। मैट को लगता है कि ये सब किलर्स हैं और वो चुपचाप जॉन को वहाँ से लेकर चला जाता है और बाहर जाकर जॉन को बताता है कि मुझे लगता है कि ये सभी लड़कियाँ किलर्स हैं। और वो दोनों अपने केविन की तरफ जाने लगते हैं। तभी रस भी उन्हें जाते हुए देख लेता है और रस उनके पीछे लग जाता है। इधर ये सब डिसाइड करती हैं कि वो सामने वाले केबिन में जाकर उन्हें सब सच बता देंगी, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि कोई भी मारा जाए। उधर हम जॉन और मैट के साथियों को देखते हैं, जिनका नाम सोन, गाय वन और गाय टू होता है। तभी गाय वन अकेला बाहर जाता है, पर वो दोबारा अंदर नहीं आता, क्योंकि बाहर उसे रस मिल जाता है जो उसे मार देता है। अंदर सभी लड़के पिलो फाइट में लगे हुए थे और तभी वहाँ वो सारी गर्ल्स और रस भी पहुँच जाता है। रस वहाँ की लाइट बंद कर देता है, इसका मतलब रस अब अटैक करेगा। सभी लड़कियां उन्हें बचाने के लिए अंदर जाती हैं, लेकिन तब तक रस गाय टू को मारकर वहां से भाग चुका था और कोई भी उसे नहीं देख पाता। इसलिए सब लड़कों को लग रहा होता है कि लड़कियों ने ही उसे मारा है, क्योंकि उनके हाथ में हथियार है। लड़कियां इन्हें बताती हैं कि इसे रस ने मारा है और अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो भी हमें इसी तरह मार देगा। ये सुनकर वो तीनों लड़के उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और अलग अलग होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि अब बहुत लोग मर चुके थे, इसीलिए ये पुलिस बुलाना चाहते थे। लेकिन डायना इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही रस को मारना चाहती है। जब तक वो उसे खुद नहीं मारेगी, उसे शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए बाकी सब भी डायना के साथ हैं। सबसे पहले इन्हें किसी भी हालत में अलग नहीं होना था, लेकिन हल्की सी आवाज से ये सब अलग हो जाते हैं। डायना अब अकेले बची थी। उसी वक्त रस भी वहाँ पहुँच जाता है। डायना उससे बचने के लिए बाहर भागती है। तभी सामने से सोन एक गिटार लेकर आ जाता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। रस उसे पकड़ लेता है, जिससे सोन भी मारा जाता है। अब भागते हुए डायना अपने केबिन तक पहुंच जाती है। रस ने उसे काफी घायल कर दिया होता है, जिससे वो उसके खून के निशानों का पीछा करते हुए डायना तक पहुंच जाता है। दरअसल ये सब इन लड़कियों के प्लान का एक हिस्सा था। अब लड़कियां रस को मारना शुरू करती हैं, लेकिन रस अभी भी उन पर भारी था, क्योंकि उसके हाथ में ड्रिल थी। डायना उसका सामना करती है और उस ड्रिल को भी तोड़ देती है। तभी वो उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे रस नीचे गिर जाता है। और फिर एलिसा आकर उसे कई बार चाकू से मारती है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो मर गया है। इससे अब सभी को तसल्ली मिल जाती है। अगली सुबह वो सब वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। एलिसा वही कुकीज खा रही होती है जिन्हें स्टार्टिंग में जैकी खा रही थी। मैट और जॉन सबको छुपकर देख रहे होते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि उन्होंने तो कोई किलर नहीं देखा। उन्हें लगता है कि ये लड़कियां ही किलर हैं। वो दोनों पुलिस को कॉल करने के लिए अपने केबिन में चले जाते हैं। यहाँ लड़कियां निकलने की तैयारी कर रही थीं, जिसमें किलर की बॉडी की रखवाली एलिसा करती है, जो कि कुछ देर में वहां से निकल लेती है। उधर मैट और जॉन दोनों अपने केबिन पर पहुंच जाते हैं। दोनों में से किसी का भी ध्यान अपने फ्रेंड की बॉडी पर नहीं जाता। साथ ही वहां पर सिग्नल भी नहीं आ रहा था, इसलिए जॉन आसपास जाकर चेक करता है। इतने में मैट वहां से नहाने चला जाता है। नहाते हुए कोई मैट को मार देता है। वो जो कोई भी था, अब वो सामने वाले केबिन की तरफ चल देता है, जहां पर एसली अपनी कार को ठीक कर रही थी। और उसी वक्त कोई उसे कार में फंसा कर इंजन ऑन कर देता है, जिस वजह से मोटर में फंसने से वो भी मर जाती है। वहीं दूसरी ओर वो सब नोटिस करते हैं कि उनके सारे हथियार गायब हो चुके हैं, साथ में रस की बॉडी भी नहीं है।
है। तभी एक लड़की देखने जाती है, तभी वो खुद भी इंजर्ड हो जाती है क्योंकि कोई नेल गन से अटैक कर रहा था। ब्रेन देखती है कि उसने असली को भी मार दिया है। जब वो विंडो के पास खड़ी होती है तभी वो भी मारी जाती है। अब ये सब यहाँ पर फंस जाते हैं और उनकी दो साथी भी मारी जा चुकी हैं। इसका पूरा इल्जाम डायना के ऊपर जाता है क्योंकि उसने पुलिस को बुलाने नहीं दिया था। इन सबको लगता है कि जॉन सबको मार रहा है। ये जानती है कि उन लड़कों के पास एक कार है और वो तीनों यहाँ से भाग सकते हैं। फिर मेओ किलर का ध्यान भटकाती है और इतने में डायना खिड़की से निकल जाती है। तभी एलिसा की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसने कुकीज खाई होती हैं। डायना उनके कार तक पहुंच गई थी लेकिन कार के पास उसे जॉन मिल जाता है। जॉन भी उसी की तरह डरा हुआ था। इसका मतलब कि वो भी किलर नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा और वो एक ही झटके में अकेला ही कार लेकर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियां ही सबको मार रही है। अब डायना के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए वो आसपास चेक करती है शायद कोई हेल्प मिल जाए। तभी रास्ते में उसे के मिल जाती है। डायना के को सब कुछ बता देती है लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर डायना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ उसे पता लगता है कि के रस की मॉम है और रस का बदला लेने के लिए वो सबको मार रही है। के डायना को मारती है लेकिन डायना उल्टा के को ही मारकर भाग जाती है। के ने डायना के पैर को जख्मी कर दिया था इसलिए अब उसे चलने में काफी दिक्कत होती है लेकिन वो किसी तरह केबिन तक पहुँच जाती है। डायना बाकी लोगों को बताती है कि के ही ये सब कर रही है और अब उन्हें के को मारना होगा नहीं तो वो उन्हें भी मार देगी। अब के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। के लड़कियों को कुल्हाड़ी से मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर ट्रिस पहुँच जाती है। वो के का सामना करती है लेकिन के रुकने का नाम ही नहीं लेती। के ट्रिस के हाथ में कुल्हाड़ी मारती है लेकिन ट्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका हाथ सुन पड़ चुका था। जब के ट्रिस पर भारी पड़ने लगती है तब डायना उसे बचाती है। उन लोगों को लगता है कि के अब मर चुकी है इसलिए अब वो चारों वहाँ से निकलने लगती हैं। लेकिन के अभी जिंदा होती है। वो फिर से उनकी तरफ आती है लेकिन ये उसका आखिरी वार था क्योंकि ट्रिश ड्रिल को उसके आर पार कर देती है और उसे मार देती है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।